भाई की चाल है आप दोनों को पाठ पढ़ाने के लिए। काई! आप में शक्ति अधिक है, उनमें गति अधिक है, और शक्ति को मात दे सकती है तेजी। और तेजी को क्या मात दे सकता है? आओ मेरे साथ। अब पकड़ो। नहीं आई। पकड़ो। बाबा, हाय, ये तो दाना डालिए, फिर शत्रु, शत्रु की सोच और शत्रु की शक्ति सब पकड़ में आ जाएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। कमरुद्दीन की सोच को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर उससे तेज सोचिए, कमरुद्दीन की सोच को पीछे छोड़ दीजिए। वो एक घर की चाल सोचता है, आप पांच घर आगे की चाल सोचिए। वाह सरकार, हम पांच सोचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। मैंने पांच सोच लिए। इससे वो हारेगा कैसे? अरे पांच घर आगे की सोच। वही जो मेरी सोच है। मंजे? मंजे मेरी घर से पांच घर आगे सकारा मरवाई का घर है, उसी के मिठाइयों के बारे में सोचता रहता हूँ। हुए ना पांच घर आगे की सोच। माँ जी, कभी कभी मुझे संदेह होता है ये चिमना तेरा भाई है। भाई तो वो मेरा ही है, बस भगवान ने उसके बाग का उत्साह भी मुझे ही दे दिया है। और उसके बाग की ऊंचाई भी, और उसके बाग का हट भी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। अच्छा ये बता, राधा काकू की बात का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि शक्ति को गति हरा सकती है। तो हाथी से ज्यादा तेज कौन हो सकता है? चीता। वो हमें खा जाएगा। हिरन। उसे नासिर खा जाएगा। अधिक गति घोड़े की होती है, वही हाथी को हरा सकता है। हमें घोड़ा चाहिए। हम घोड़ा लाएंगे कहाँ से? माहित नहीं, पर नासिर को हराने के लिए घोड़ा चाहिए तो वो मैं लेकर आऊंगा। हुजूर अभी भी लिहाफे आगोश में चैन फरमा रहे हैं। अब वो ठीक है, पर है या नहीं? है, पर सो रहे हैं। को सो रहे है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। जी कुछ देर मुगलों के खेमे के बाहर रहे तो ये स्थिति है, अगर दिन गुजारना पड़ गया तो आप तो अमीर खुसरो बन जाएंगे। अमीर खुसरो।
आने में देर कैसे हुई? जी मुर्गियां पकड़ रहे थे। मिले? वो पण हमें नहीं। फिर आपको क्या मिला? मार्ग, मीर कमरुद्दीन खान से पार पाने का मार्ग। कैसे? वो तो हवा है, हवा को कैसे बांधेंगे? जिसे बांधा ना जा सके उसे साधा जा सकता है। बहुत बड़ी चीज है, कमरुद्दीन खान है, बादशाह का दाया हाथ है। आओ तभी तक जब तक ये खेमा है, ये शान है, ये सैनिक है। यहां से दूर जाने के बाद वो भी एक साधारण मनुष्य कमरुद्दीन है। इसे भूख प्यास भय सब कुछ सताता होगा, उसे भी किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती होगी। पानी जब ऐसा होगा तो उसे सहारा हम देंगे, तो उसका विश्वास अर्जित करेंगे, फिर हम उससे वो करवाएंगे जो हम मराठी चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप उसको उसके खेमे, उसके सैनिक और उसकी शान से दूर जाने के लिए कहेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? नहीं नहीं दाना जी, हम उनसे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो स्वयं ये सब छोड़कर हमारे साथ आएंगे। कमरुद्दीन ने घाट घाट का पानी पिया है, हम उन्हें हम अपने घाट का पानी पिलाएंगे। बस आप हमें कुछ देर के लिए उनके साथ एकांत में छोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, पर इस बार नारानी साहिब को अप्रसन्न मत कीजिएगा। एक बात सुन रहे, कमरुद्दीन सिर्फ शिवाराजे से मिलना चाहता है, तारा रानी साहिब से नहीं। हमारी योजना इसी बात पर आधारित है। बस आज काले बादल साथ दे जाए। अरे आ गया, चल भी और चिमना के साथ तू भी खाना खा ले। भाव की जाए, भाव की जाए, भाव की चमची। आई पूछो इनसे, पाठशाला में इतनी देर से क्या कर रहे थे? सोच रहा था। क्या? यही कि ताकत को तेजी हरा सकती है, तो हाथी को हराने के लिए मुझे घोड़ा चाहिए। देखी भाव की बुद्धि। पियो खाली बस। ये दूध के दांत देखे है ना, काट लूंगी। खाना खाओ। बाजी घोड़ा खुद चल के घर नहीं आता, खरीदना पड़ता है, तो मैं खरीदूंगा। बाजी अरे भोजन तो करता जा। नहीं आई, बाबा कहते हैं ना पेट में आग बनी रहे तो काम पूरा करने की आवश्यकता भी बनी रहती है। जा रहा हूँ, अब तो घोड़ा लेकर ही लौटूंगा। भाव घोड़ा लाना आम तोड़ने जितना सरल नहीं है। तो तारे तोड़ के लाने जैसा असंभव भी नहीं है चिमना। बेकार का हट है। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। बाजी बाजी ये लड़का भी ना इतने से पैसे में थोड़ी मिल पाए घोड़ा, अब भी वापस आएगा देख लेना। व्यू तुझे क्या हुआ? आप लोग एक महान व्यक्ति का उत्साह बढ़ा नहीं सकते, तो कम तो मत कीजिए ना। अच्छा महान कौन? भाऊ। चुन्ना भाऊ, भाऊ ने कहा है वो घोड़ा लेकर आएंगे तो वो लाएंगे। मेरा खाना हो गया। भीयू, भीयू। जैसे भाव वैसी भीयू। आई एक मैं ही हूँ आपका आज्ञाकारी बेटा। हाँ मेरा चिमना। आई चिमना नहीं, चिमना जी साहिब। अच्छा ठीक है, चिमना जी साहिब। अब चिमना जी साहेब पढ़ाई करेंगे, बाजी भाव की तरह यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे। खान साहेब सुप्रभ।
खुश आमदीद बालाजी भट्ट, बताइए क्या आप वही खबर लेके आए हैं जिसका हमें इंतजार है? जी, खबर तो वही है, पर उसमें एक अगर है। अगर? अगर महाराज शिवाराजे वापस लौट आते हैं तो आप उनसे मिल पाएंगे, नहीं तो। शिवाराजे कहाँ गए? शिकार पर गए, घाटों में। आप चाहें तब तक तारा रानी साहब से भेज। हम शिवाराजे से मिलने आए हैं और उन्हीं से मिलेंगे, चलिए। कहाँ? जहाँ शिवाराजे हैं। हुजूर आप घाटों में? बालाजी भट्ट आप तैयारी कीजिए, मीर कमरुद्दीन खान का रास्ता कोई घाट नहीं रोक सकते। हमने इरादा कर लिया तो कर लिया। आप वहां कैसे? अबे रोकने की कोशिश ना कीजिए बालाजी भट्ट, हम जो चाहते हैं वही करते हैं, और हम शिवाराजे को मिलने घाट में जाना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। जैसी आपकी आज्ञा, हम जाकर तैयारी करवाते हैं। आप तब तक स्नान कर लीजिए। स्नान? नहा लीजिए। शेर रोज नहीं नहाते, और जब नहाते हैं तो इत्र से। अब इस सेवक से कैसा पर्दा? हम जानते हैं कि पानी की कमी के कारण आप अपने खेमे में रोज नहा नहीं पाते हैं। खान साहब, आपकी शान शौकत हीरे मोती जवाहरात है, और हम घाट पर रहने वालों की शान शौकत है प्राकृतिक संपदा। कुदरत के इस खजाने का आनंद लीजिए, अब यहाँ आ ही गए तो रोज नहाना सीख लीजिए। वैसे भी मांस की ये गंध इत्र से नहीं दमने वाली, शिवाराजे भी छोटे हैं, आपके शरीर से आ रही मांस की गंध को शिकार की गंध ना समझ ले, और फिर आप की प्रतीक्षा हम बाहर कर रहे हैं। बस इतना ही समय चाहिए था हमें अपनी योजना निर्धारित करने के लिए, बहुत ज्यादा। अर्शु, तू गिन, इस बार ना तुझे भी गणित आ जाएगी। मैं इसको गणित सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख, बैठ इधर। ये दस शिवराय म्हणजे आधी पावली। हाँ आधी पावली। काय बोलतो काका? वही तो मैं बोल रहा था, आधी पावली। घोड़ा खरीदने जा रहे हैं तरकारी खरीदने, इतने में कुछ नहीं होगा। मित्र मन तो हम सकाराम हलवाई की जिलेबियां खाते, चला। हम ढूंढेंगे तो आधी पावली में अवश्य एक घोड़ा मिलेगा। बाबा कहते हैं ढूंढने पर ईश्वर भी मिल जाता है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम ईश्वर को ढूंढते, फिर उन्हीं से मुफ्त में घोड़ा मांग लेंगे। हाँ, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते। हाँ, दस शिवराय मेरी भी जोड़ लेना। दस है ना? हाँ, दे। भीहू, ये काम बड़ा मुश्किल है, इसमें घोड़ा नहीं जिलेबी आती है। छोटे बड़े बच्चों को साथ नहीं आना चाहिए। मैं छोटी नहीं हूँ, मेरे दूध के दांत आ गए हैं। भीहू घरी जा। नहीं भाऊ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ बड़ों को लगता है कि हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मैं भी घोड़ा लेकर दिखाऊंगी। भीहू, एक पावली में घोड़ा नहीं आता है। पर उम्मीद बिना पावली की भी आती है, और मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। उम्मीदों से बंधा जिंदा परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा जिंदा परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से है। यहाँ पहले उम्मीद बहुत थी, आ गए और बढ़ाने। बाबा जी आप यहाँ के नहीं है, उन्होंने आपको नहीं पता, एक पावली में घोड़ा नहीं आता है। दाम दे के गुलाम मिलता है, और इसे गुलाम नहीं साथी चाहिए, जो हर पल हर राह में इसके साथ चले, और ऐसा साथी घोड़ा होता है। तुम घोड़े को ढूंढ रहे हो, पर याद रखना
कभी कभी घोड़ा भी अपना सवार ढूंढ रहा होता है, और घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। तू तो जंगली खुशबू है, और खुशबू हवाओं में उड़ती है, हवाओं में उड़ती रहती है। तो जंगली खुशबू है और खुशबू हवाओं में उड़ती है। जा जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। जा जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। जा ढूंढ उस सरफिरी हवा को और डाल दे उसके मुंह में लगाम। थोड़ा पागल हो गया, कोई पागल ही इसे ठीक कर पाएगा। आपके सूबेदार पागल हो गए हैं क्या? कमरुद्दीन बहुत ही शातिर है, और आपके कर्मचारी है कि इन्हें घोड़े पर भी बैठना नहीं आ रहा है। आपको लगता है जो ये कह रहे हैं वो कर पाएंगे? जमील का चलिए आगे बढ़ो। रानी साहब, छोटे मुंह से बड़ी बात बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं दीपक अपना परिचय बोलकर नहीं प्रकाश फैलाकर देता है। आपको इतना विश्वास कैसे है इन पर? ये वो हैं जिन्हें हमने आज से 7 बरस पहले महाराज राजा राम की मृत्यु के पश्चात शाहू जी के बारे में पता लगाने के लिए औरंगजेब के खेमे में भेजा था। जिस कमरुद्दीन ने तब बालाजी को मौत के घाट उतारने के लिए पहाड़ से फेंका था, आज वही बालाजी उस कमरुद्दीन के साथ बैठकर जा रहे हैं। बैलगाड़ी ले लेंगे, मैं आप और घोड़ा तीनों उस पे बैठ के संसार घूमेंगे। पर भीयू, मेरा घोड़ा ऐसा होगा जो कभी थकेगा नहीं। भाव, आईने कविता सुनाई थी, एक मुट्ठी आग, दो मुट्ठी जोश, ढेर सारी फुर्ती, थोड़ा सा होश, बहुत ज्यादा ताकत, गुस्सा थोड़ा थोड़ा, इनको मिलाओ तो बनता है घोड़ा। वाह भीयू वाह, और ऐसा घोड़ा कभी भी अपने सवार का साथ नहीं छोड़ता, जैसे महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। घोड़े ही तो राजा को महान बनाते हैं। तो हम ही सफेद घोड़ा ही लेंगे, चेतक जैसा। सफेद क्यों? क्योंकि हर कहानी में नायक के पास सफेद घोड़ा ही होता है, और सफेद घोड़े का दिल साफ होता है बादल की तरह, और काले घोड़े का दिल काले बादल के जैसा। काला बादल पानी देता है, सफेद बादल तो कंजूस होता है। आओ, अब काला घोड़ा ही लेना। व्यू, इस पावली में काला क्या सफेद क्या कोई घोड़ा नहीं आएगा। दाम की बात तो तब करेंगे ना गोटिया, जब मैं घोड़ा पसंद कर लूं। पर मुझे ऐसा कोई घोड़ा दिख ही नहीं रहा जिसे देखते ही मुझे विश्वास हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर ऐसा घोड़ा में कहाँ मिलेगा?
पागल, बाजी पागल, ये ब्यू पागल, अरे पागल घोड़े के पास जा रहे तुम लोग। कभी कभी घोड़ा भी अपना सवार ढूंढ रहा होता है। हर घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। जाओ 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 बच्चे लोग जाओ 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 तता तता बाजी चलिए यहाँ से चलेंगे जरूर पर उसे लेकर किसे इस काले बादल को अरे बाजी उसके चक्कर में हम सब फंस जाएंगे तू एक काम कर तू ना मुझे अपना घोड़ा समझ ले मेरी पीठ पर बिठाओ कर पूरा आंगन घुमा कर लेके आऊंगा एक दो तिनके मैं भी खा लूंगा घास के हाँ घोड़ा इतना मोटा थोड़ी होता है गोटिया हाँ कहानियां कैसे शुरू होती हैं कहानियां मैं बताता हूँ हाँ एक बार की बात है गांव में एक लड़का रहता था ऐसे बेकार कहानियां शुरू होती हैं तो फिर अच्छी कहानियां कैसे शुरू होती है एक बार की बात है एक गांव में एक लड़का और उसका घोड़ा रहते थे ऐसे मेरी कहानी शुरू होगी गोटियां रुकिए हाँ सर घोड़े छोड़कर हमें नीचे पैदल चलना होगा लगता है वहां वर्षा हो रही है हम घाट पर जा रहे हैं वहां के हालात ऐसे होने चाहिए कि कमरुद्दीन के पास हमारे सहारे के अलावा कोई रास्ता ना बचे समझ ला सगड़े हो आइए खान साहब हजूर मुझे लगता है वर्षा यहां कभी भी पहुंच सकती है
हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये सलाह है कि हमें महाराज शिवराजे से दूर रखने का बहाना। हाँ साहब, खास सही कह रहे हैं। आप नीचे समतल मैदानों से आए हैं, घाटों की इन वर्षा से आपका परिचय नहीं है। हाँ, पहले कभी आपके घाटों की इस बारिश से हमारी मुलाकात नहीं हुई ना। मुलाकात होगी तो पहचान भी हो जाएगी। बालाजी, आपकी ये बारिश ना हमें ना हमारे इरादों को गीला कर पाएगी। खास महाराज शिवराजे किस ओर गए? वो रहा उनका डेरा, और यहां से बहुत दूर है। दक्खन भी दिल्ली से बहुत दूर है, और मुगल वहां पहुंच गए ना। वर्षा तो होगी ना, शत प्रतिशत। शत प्रतिशत मुझे वही घोड़ा चाहिए। तुम लोग देखना कैसे मैं और काला बादल मिलकर नासिर और उसके हाथी को हराएंगे। ए बाजी, एक पावली में घोड़ा क्या, उसकी पूछ तक नहीं आएगी। तो क्या हुआ, मोल भाव करेंगे ना। राव, हमें वो घोड़ा खरीदना है, किससे बात करनी होगी? जल्दी बताओ, हमारे बाबा सतारा कचेरी से आते ही होंगे। सतारा कचेरी से? ये उन लोगों का घोड़ा है। ये घोड़ा हमारा नहीं। फिर घोड़ा? ये घोड़ा हमारे बेटे खंडेराव का था। मेरा खंडेराव पूरे गांव में सबसे ज्यादा बहादुर था, इसीलिए सेना में गया, भारत में मुगलों के साथ लड़ने। हमारे पास तो फिर भी एक दूसरे का सहारा, लेकिन ये घोड़ा, इसके एक ही साथी था, वो भी चला गया। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस एक तक मेरे बेटे के जूतों को देखता रहता है। और गांव वाले उसे पागल समझकर मारने लगे। अगर हम उसे यहाँ नहीं लाते, वो लोग उसे मार देते। हमें भी पैसों की जरूरत है, इसलिए हम उसे यहाँ बेचते लाए हैं। तो हमें बेच दीजिए। हाँ, हमें बेच दीजिए। हाँ, बेच दीजिए। हमने कहा ना बेटा, वो बिक चुका है। किसने खरीदा है? हम उससे खरीद लेंगे। हाँ, ये नामुमकिन है चुचुंद्रो। गदर खान जो एक बार सौदा कर लेता है तो उससे मुकरता नहीं। अब मैं इस घोड़े का मालिक हूं। हम ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। तो खरीद लो, मैंने 25 मोहरे देकर ये घोड़ा खरीदा है। तुम 50 मोहरे ले आओ और घोड़ा ले जाओ। अभी नहीं है, कोई बात नहीं। गांव के बाहर पुणे जाने वाले रास्ते पर मेरा कारखाना है, शाम तक 50 मोहरे ले आओ और घोड़ा ले जाओ। पर ये घोड़ा तो पागल है, उसके पांव में भी चोट लगी है। अब इस पागल घोड़े का क्या करेंगे? वो मेरे किसी काम का नहीं। मुझे घोड़े से नहीं, उसकी खाल से मतलब है।
मेरा चमड़े का कारखाना है, आज शाम होते ही मैं उस घोड़े को मार दूंगा और उसकी खाल उतारूंगा। मुझे नहीं पता 50 मोहरे कितने होते हैं। भले ही घोड़ा हमें मत दो, ये पावली ले लो, लेकिन उसे मत मारो। वैसे खाल तो तुम्हारी भी बहुत मुलायम है। नहीं, कठोर है। हाँ हाँ, कठोर है। हाँ, जानते हो इस घोड़े की खाल से मैं ऐसा चिराग अख्तर बनाऊंगा, लेकिन इतना नायाब जिसे सिर्फ शहंशाह औरंगजेब ही पहनेंगे।